हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। मत्ती 24 का 36 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते बाइबल से प्रूफ आपके लिए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पर यीशु मसीह के आने की बात हो रही है भैया, कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। वह घड़ी सुबह की भी हो सकती है, दोपहर की भी हो सकती है और रात की भी हो सकती है। उस घड़ी के विषय में किसी को भी नहीं पता है, ना स्वर्ग के दूतों को पता है और ना पुत्र को पता है और ना हमें पता है और ना आपको पता है। इसलिए जागते रहो और तैयार रहो कि जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ स्वर्ग जरूर चले जाना। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी, और वैसा ही आज के दिनों में भी हो रहा है। और जब तक जल प्रलय आकर उन सभी को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। तब बाद में वही लोग नूह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, नूह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, परमेश्वर के कहर से मुझे बचा ले। और उन लोगों का क्या हाल हुआ? विनाश हुआ, विनाश मेरे प्रियो। इसलिए अभी सभी लोगों से बताया जा रहा है, अपना मन फिरा लो और यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। समय रहते हुए यीशु के पास लौट आओ, अभी पूरा समय है आपके पास मेरे प्रियो। जैसा नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। उस दिन दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दिन में तो सभी लोग काम काज करते अपने खेतों में, मगर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा, जो पवित्र होगा, जो निष्कलंक होगा, वो उठा लिया जाएगा बदल कर और दूसरे को वहीं काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी को चक्की पीसने के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। उस रात दो जन खाट पर सोते होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरे को वहीं पर सोने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां मार्केट जा रही होंगी, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरी को वहीं पर छोड़ दिया जाएगा मार्केट जाने के लिए। उस समय हाहाकार मच जाएगा मेरे प्रियो। जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है, वही आपको बताया जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि हमारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है 43 वचन में, परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता मैंने फिर यूं, अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाना स्वर्ग में। यहाँ पर मत रह जाना, यहाँ पर रह गए तो बहुत बुरा हाल होगा। जैसा लिखा है तिसलोनिकियों 4 अध्याय के 13 और 17 वचन में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो अज्ञान है उनकी ना ही शोक करो, जिन्हें आशा नहीं है। पौलुस साहब बता रहा है मेरे प्रियो, उनके विषय में, अन्य जातियों के विषय में सोते ना रहें, अज्ञान ना रहें, क्योंकि उन्हें आशा नहीं है। और हमें आशा है कि यीशु मसीह हमें लेने आएगा, परमेश्वर हमें लेने आएगा स्वर्ग दूतों के साथ। 16 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा, तब यीशु मसीह अपने दूत को आज्ञा देगा, जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत होगा, उसको यीशु मसीह आज्ञा देगा कि तुम जाओ, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ। जो मसीह में मर चुके हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे मेरे प्रियो।
जैसा थिस्सलुनीकियों 5:2-4:5-6 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ मेरे प्रियो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है भैया। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। क्योंकि मेरे प्रियो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब रात को चोर चोरी करने आता है तब कोई नहीं जानता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, वैसे ही यीशु मसीह का दिन आने वाला है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार के नहीं हो, वह दिन तुम पर अचानक चोर के ना आ पड़े। सच्चा परमेश्वर कौन है ये तो आपको पता ही है मेरे प्रियो, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं, क्योंकि हम सभी ज्योति के संतान है मेरे प्रियो। इसलिए हम जागते रहें और सावधान रहें। हम अन्य जातियों के समान सोते ना रहें, परंतु जागते और सावधान रहें, क्योंकि यीशु मसीह उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। बाकी सब यही रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर रहता है वह जगह पवित्र है भैया, वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किया है यीशु ने देखा है, अपने पापों को मानो और यीशु के सामने पश्चाताप करो, छोड़ दो उन पापों को, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। इसके बदले परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा, स्वर्ग का जीवन देगा, ठीक है। लौट आओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, एक नया जीवन देगा। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की, गुड लक।